अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो आप सब ठीक होंगे। तो जी व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने एक नई और बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो जी व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में आपने देखे हैं कि मैंने आपको हाथों को नरम करने का जो टोटका बताया था, मुझे उसके बाद एक कमेंट आया था, उन्होंने मुझे बोला है कि आप मुझे बताएं कि जो हाथों के ऊपर स्याह हल्के पड़ जाते हैं उनके लिए कोई टोटका बताएं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हाथों के ऊपर जो स्याह हल्के पड़ जाते हैं या इन जगहों के ऊपर वो ब्लैक ब्लैक से आ जाते हैं, उनको दूर करने का बहुत ही आसान तरीका, वो भी आपको किचन की चीजों से हल करने का बताऊंगी। तो चलिए, लेकिन उससे पहले जल्दी से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दें, क्योंकि आप सबके तामुन की वजह से अल्लाह तरक्की कर रही हूं और करती रहूंगी, क्योंकि आप सबने तो मुझे सपोर्ट करना है, आप सबके सपोर्ट की वजह से तो मैं आगे बढ़ूंगी। तो जल्दी से जरा कर दें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें। तो चलिए मैं आपको वो बताती हूँ कि आप अपने हाथों के जो स्याह हल्के हैं इनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए, तो लेमन लेंगे हाफ, हल्दी लेंगे हाफ टी स्पून, बेसन लेंगे 1 टीस्पून लेंगे। ये मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको ना एक जो गाढ़ा सा पेस्ट होता है ना वो बनाना है, और ये मैंने लिया तकरीबन, ये छोटी हाफ कटोरी है, अगर स्पून से मेजरमेंट करेंगे तो ये 5 टेबल स्पून है। तो इन चीजों को हम कर देंगे जरा साइड पे। पहले हम इसमें डाल देंगे बेसन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ ही डाल देंगे हल्दी। हल्दी के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, आप इसको खाने में भी यूज़ किया करें, इस तरह जब कोई ब्यूटी टिप्स बनाते हैं ना उसमें भी यूज़ किया करें। ड्राई को ही अच्छे से मिक्स करेंगे, अगर इनकी कोई गुठलियाँ वगैरह बनी हुई है ना आप उनको ख़त्म कर दें। तो ये देखें अच्छे से मिक्स कर दिया, अब साथ इसमें डाल देंगे लेमन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरह इसका जो रस है ना वो निकाल लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब ये देखें इसी से ही ना ये हो गया, थिक सा हो गया, इसमें थोड़ा सा बस हम 1 ड्रॉप डालेंगे अभी दूध का। पहले टिश्यू की मदद से हाथ को अच्छे से साफ कर लेंगे, इसके बाद आपने इसी स्पून की मदद से ना इसको ऐसे पकड़ के ऐसे अप्लाई कर दें अपने हैंड के ऊपर। इस तरह करके मदद से फिंगर पे लगा लें, इस तरह करके ये उबटन सा बन जाएगा। देखिए नेल्स के ऊपर भी लगाएंगे, अब इसे तकरीबन ना 10 से 15 मिनट तक ना ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो जी व्यूअर्स, ये देखे हैं मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिए, अब इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया है अपने हाथ के ऊपर, इससे ये होगा कि आपके जो हाथों के ऊपर ब्लैक जो सर्कल होते हैं या ब्लैक जो हल्के पड़े होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो जी व्यूअर्स, ये देखें कितनी कम चीज़ों से ये टोटका बनता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है किचन में मौजूद होती हैं। तो जी व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। आपने इसे 15 मिनट बाद अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद आप इसके ऊपर लोशन लगा लें तकरीबन 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद आप कोई भी काम कर सकती हैं, या अगर हैंड वॉश करने के फौरन बाद ही लोशन लगा लें, ठीक है, लगा के आप कोई सा भी काम करें, इंशाल्लाह देखिएगा
तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके जो ब्लैक हल्के हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो जी व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का शुक्रिया, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही जबरदस्त टिप्स के साथ, तब तक के लिए अपना खूब सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।